चाचा की पार्टी लेकर भी अजीत पवार का समय लगता है सही नहीं चल रहा। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के दिन ही कैबिनेट मंत्रालय नहीं मिलने से नाराज एनसीपी ने अब मुस्लिम आरक्षण का दांव चल दिया है। पीएम मोदी के सहयोगी छोटे पवार महाराष्ट्र में अब मुस्लिम आरक्षण देने की गारंटी देने लगे हैं। आपको क्या लगता है, मुस्लिम कार्ड बहाना है, कहीं एनडीए से तो नहीं जाना है? देखिए महाराष्ट्र से हमारी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे चुनाव में मुस्लिम आरक्षण हटाने की गारंटी देते रहे, लेकिन उन्हीं की सहयोगी पार्टी अजीत पवार की एनसीपी कह रही है कि मुसलमानों को नौकरी में भी आरक्षण देंगे, पढ़ाई लिखाई में भी आरक्षण देंगे और राजनीति में भी आरक्षण देंगे। ये सिर्फ मांग नहीं है, एनसीपी की चेतावनी है। अजीत पवार गुट के नेता और एनसीपी के उपाध्यक्ष सलीम सारंग ने चेतावनी दी है कि अगर महाराष्ट्र में मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिला तो सड़क पर आंदोलन होगा। पिछले कुछ समय से भगवा रंग में रंगे अजीत पवार की ओर से अचानक मुस्लिम आरक्षण की मांग क्यों उठने लगी है, उसकी वजह समझिए। हाल ही में छोटे पवार की पार्टी ने चुनाव नतीजों के बाद एक बैठक की थी। बैठक करना जरूरी भी था क्योंकि महाराष्ट्र में अजीत पवार की एनसीपी 4 सीटों पर लड़ी और जीती सिर्फ एक। तो बैठक में सबने ये माना कि मुस्लिम वोटर उनकी पार्टी से दूर छिटक गए, इसीलिए उनका प्रदर्शन खराब रहा। उसके बाद छोटे पवार गुट से ये मांग उठने लगी कि महाराष्ट्र में मुस्लिमों को शिक्षा में 5% आरक्षण दिया जाए, उन्हें राजनीति में भी ज्यादा मौके दिए जाएं, सरकार में भी मुसलमानों की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। दावा किया गया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर अजीत पवार मुस्लिम आरक्षण को लेकर कोई योजना बनाएंगे। तो अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी और शिंदे की शिवसेना अजीत पवार की मांग मान लेगी? ये तो उनको फैसला करना है, क्योंकि वो उनके गठबंधन के एक हिस्सा हैं। अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं तो एनडीए गठबंधन का क्या रुख रहेगा इस इशू पर, भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है वो तो सबको पता है। चुनाव में लोगों ने प्रधानमंत्री जी का भाषण ही सुना। अब सोचिए, जिस बीजेपी ने अजीत पवार की पार्टी को कैबिनेट मंत्री का पद तक नहीं दिया वो मुस्लिम आरक्षण की मांग पूरी कर देगी, इस बात की संभावना 9 के बराबर है। और ऐसा भी नहीं है कि ये बात अजीत नहीं समझते, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कैबिनेट पद नहीं मिलने से नाराज एनसीपी मुस्लिम आरक्षण का कार्ड दिखाकर एनडीए से बाहर निकलना चाहती है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना छोटे पवार के पैतरे से खुश है, वहीं बीजेपी कह रही है कि सब कुछ ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तब उसका श्रेय संघ को, और हार जाती है तो जिम्मेदारी अजीत दादा को। उसके लिए हमने टिप्पणी की है, मगर हमारा अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अजीत पवार के लिए मुश्किल एक नहीं है, कई है। आरएसएस के अखबार ऑर्गेनाइजर ने एक लेख में एनसीपी को चुभने वाली बात लिख दी। लेख में कहा गया कि अजीत पवार की पार्टी को बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल करने का फैसला गलत था, इसका महाराष्ट्र में नुकसान हुआ। इस लेख से भी एनसीपी नाराज है। ब्यूरो रिपोर्ट, Z मीडिया। Z न्यूज़।